Hello everyone, how are you all? I am fine sir, how are you? What you? I am also fine beta. Beta, in today's session, in math subject we would be studying the new exercise, the new concept, addition and subtraction on number lines. Before moving ahead the next exercise, before moving on the next exercise, I would like to confirm that is there any issue, is there any problem with any question in the exercise? No sir. Whatever you have been given as your homework. जो आप लोग को होमवर्क दिया गया था, is there any issue with any questions? No sir. Exercise 2.2 and 2.3 was homework. Everybody have done? Yes sir. Did everybody complete the homework? How many have completed? Show me your hands. Abiral, what about you, Deepika? बेटा आपका आपने होमवर्क 2.2 2.3 दोनों कंप्लीट किया? यू दीपिका, चलो ठीक है. महक आप बताइए, आपने होमवर्क कंप्लीट किया? महक और अरुण गुप्ता. सर हम 2.3 नहीं किए हैं, आंसर किए हैं. नहीं तो उसको आप कंप्लीट करिए, दो दिन की छुट्टी थी. तो फिर भी अगर आपने नहीं किया, संडे को छुट्टी थी, कल आपका मैथ की क्लास ही नहीं चला, तो आपने नहीं किया है, तो इसका मतलब बहुत अच्छा किया है. इसमें क्या था जो 10 मिनट आपको बुक में ही करना है? तो ऐसा नहीं है कि आप ना कंप्लीट करें इसको, आज का आज आप कंप्लीट करके भेजिएगा. ठीक है, चलिए ठीक है. हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, द न्यू एक्सरसाइज दैट इज एडिशन ऑन नंबर लाइन. ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार एडिशन ऑन नंबर लाइन कर रहे हैं. नंबर लाइन पे ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना इससे पहले भी बताया जा चुका है. दीपिका वर्मा बेटा म्यूट कर लीजिए अपना, आपके यहां से थोड़ा सा कुछ आवाज आ रही है. चलिए कोई बात नहीं. हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन पे एडिशन सब्ट्रैक्शन इसके पहले वाली क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा. यस सर. तो लेट्स से अगर मैं आपको यहाँ पे नंबर दे दे रहा हूँ 100, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे दिया 10 + 5 10, और आपको बोला गया कि डू वन थिंग, यू हैव टू शोकेस, यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस एडिशन स्टेटमेंट ऑन द नंबर लाइन. देन व्हाट यू कैन डू, लेट्स से कि दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. इसको नंबर लाइन पे नंबर्स पे लिख दिया आपने, यहाँ पे जो उनके मार्किंग है वो भी कर दिया आपने. ये आपका ये पर्टिकुलर जो मार्क है ये किस नंबर को शो करता है. ओके, लेट्स से कि यू हैव बीन आस्क्ड टू रिप्रेजेंट दिस मैथमेटिकल दिस एडिशन स्टेटमेंट ऑन द नंबर लाइन. देन हाउ विल यू रिप्रेजेंटिंग इट? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक आप लोग क्या चाहे, कोई बता सकता है कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट? कैन एनीबडी टेल? नो सर. ओके, लेट्स से कि हु कैन टेल? यस दीपिका बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल अस दैट कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट. जाएंगे बाद पर. चलिए ठीक है, सबसे पहले आपको 10 देखना पड़ेगा ऑन द नंबर लाइन. यू हैव टू आइडेंटिफाई द 10, वेयर इज द 10? 10 इज देयर, सो व्हाट कैन डू, यू कैन सर्कल दिस वन. सो दैट मीन्स कि 10 + 5, दैट मीन्स कि प्लस 5 अगर आपको बढ़ना है तो जब फॉरवर्ड दिशा में चलते हैं, राइट हैंड दिशा में, दैट मीन्स को तो प्लस होगा. इन द सेम वे लेट्स से अगर -5 होता तो आप बैकवर्ड फॉर्मेट में बढ़ते ना. जो ये है पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्या है, पॉजिटिव आपका प्लस आगे बढ़ने के लिए, और जो ये डायरेक्शन होता है ये माइनस के लिए की तरफ, यानी कम होने के, ये बैकवर्ड है. आप यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो 0 से और आगे ही तो जाएंगे. यस सर. तो दैट मीन्स कि आगे बढ़ने की दिशा तो फॉरवर्ड वाली डायरेक्शन तो ये है ना, उधर जाने की, राइट हैंड साइड में. अंश पांडे बेटा अपना फोन लीजिए. इसी तरीके से लेट्स से अगर माइनस करना है या कम होना है तो आपके डायरेक्शन तो पीछे की तरफ होगा ना.
अंश पांडे अपना माइक ऑन कर लीजिए सर। तो अगर आपको प्लस फाइव करना है तो प्लस फाइव, तो ये फॉरवर्ड आपको जाना है या बैकवर्ड जाना है? प्लस होने का मतलब आपके पास ज्यादा हो रहा है ना, आपको तो और आगे बढ़ेंगे ना। यस सर। ये प्लस फाइव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ेंगे या पीछे आएंगे? सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड चलिए ठीक है। तो कितना स्टेप? फाइव स्टेप आगे बढ़ेंगे। फाइव स्टेप, वन टू थ्री फोर फाइव। कहाँ पे पहुंच गए हम? कहाँ पे पहुंच गए? वेयर वी हैव रीच्ड? फोर फाइव सर। फाइव, फाइव स्टेप जब हमने सर 15 किया देन वेयर वी हैव, वेयर वी हैव सर 15 ऑन 15। तो दैट मींस कि 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। अब 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 ये कोई नई चीज तो है नहीं, ये तो ऑलरेडी आप सबको पता है ना। यस सर। यस सर। द जो इसमें सीखना है द एक्चुअल थिंग्स इज द कि हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दिस एडिशन स्टेटमेंट ऑन द नंबर लाइन। नया तो ये है, सीखना तो ये है कि नहीं? यस यस सर। अब मान लीजिए इसको 10 प्लस 5 था, आपने इसको कर लिया। इसी तरीके से अगर मैं 10 प्लस 8 करूं तो भी कर ले जाएंगे। माइनस 5 करूं तो भी कर ले जाएंगे, है कि नहीं? यस सर। माइनस 5 होता तो एक्टिव दिशा में आते, 1 2 3 4 5 यहां पे सर्कल करते तो क्या करते? 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 ऐसे करते हैं और ऐसे आंसर आ जाते ना। यस सर। अंश पांडे आपको भी समझ में आ रहा है कि नहीं? अंश पांडे आपको समझ में आ रहा है? सुनाई सुन रहे हैं कि नहीं? ध्यान से तेजी से बोलिए, आवाज आपकी नहीं आ रही है। हाँ तेजी से रिप्लाई किया करिए, आप भी बीच में जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप रिप्लाई। सर आ रहा है, सुन रहे हैं। चलिए ठीक है, सुन रहे हैं उसको। यस नो भी बोला करिए। क्लास में आप एंगेज हैं, आप कनेक्टेड हैं, ये कैसे बदलेगा जब आप यस या नो या जो भी पूछा जाए वो भी रिप्लाई करें? सर आप क्या? चलिए बेटा 10 प्लस 5 अगर था तब तो आपने इसको कर लिया। यस सर। मान लीजिए अगर मैं आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दूं। यस सर। मैंने बोला कि 100 प्लस को शो केस करिए, यू हैव टू शो 100 प्लस 20 ऑन द नंबर लाइन। अब बताइए क्या करेंगे? कोई कर सकता है? बेटा जो ये मार्किंग है ना इस तरीके से करेंगे तो क्या है 20 के आगे तो बहुत लंबी आ जाएगी। पेज तो आपका एक ही पेज, इतना ही बड़ा पेज होता है। 100 बोर्ड हमारा इतना ही बड़ा है, हम क्या करेंगे? सब 102 100 बैक करेंगे, शुरू करेंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर 110 नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी सारे बच्चों तक आवाज जा रही है। आप ध्यान से सुनेंगे, दो चार दिन क्लास लेंगे, इंटरनेट पे आवाज थोड़ी देर में पहुंचती है, तो आप ध्यान से सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने भी लगेगा। बाकी बच्चों आवाज जा रही है? यस सर। बाकी आपके यहाँ बेटा जो फोन बार बार आप घुमा दे रहे हैं इससे आपके नेटवर्क की जरूरत होती है, आपका अभी आवाज नहीं जा रहा है, वीडियो भी अभी नहीं जाएगा। आप ध्यान से मन लगा के जब सुनेंगे तो थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, और जब आप सुनेंगे नहीं ध्यान से सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। और एक आध दो दिन आप क्लास लेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें वैसे आप समझने लगेंगे, ठीक है? आप पहली बार क्लास इस वजह से मुश्किलें हो रही होंगी आज। जैसे कि बेटा 100 प्लस 20 को एक बच्चे ने बोला कि 101 102 103 से शुरू करे तो हो जाएगा, ऐसा किसी ने बोला ना? यस सर। यस बिल्कुल, हम ऐसा शुरू कर सकते। मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसा कर दू तो 500 प्लस 50 प्लस 50 इसको ऐड करना, तो आप क्या करें? सर पहले 500 ऐड करेंगे फिर 10 20 500 10 फिर 520। पहले 500 ऐड करें फिर 10 20, ऐसे वो नंबर लाइन होगा ही नहीं ना। नंबर लाइन तो ये होता है कि आप जीरो से शुरू करेंगे नंबर लाइन को। ध्यान से सुनिए, पहले 500 से शुरू करेंगे, 500 से नहीं शुरू करेंगे,
वो रॉन्ग होगा, वो नंबर लाइन कहलाएगा ही नहीं। यस सर। आपको नंबर लाइन से मिला के ये जीरो, इसको आप नंबर, ये नंबर लाइन होता है, ये आपका नंबर लाइन है। यस सर। आप नंबर लाइन है तो नंबर लाइन में जो मार्किंग होती है आपको इस तरीके से करना पड़ता है, इस नंबर लाइन को आप बराबर हिस्सों में डिवाइड किए, अब उसको चाहे 1, 2, 3, 4 मार्किंग कर दिए, चाहे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यानी इतने का डिफरेंस, 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, चाहे ये बोले या बोले दोनों 10 है, तो इसको बोलते नंबर लाइन। हाउ वी हैव टू मार्क सो दैट इट वुड बी, मतलब दिस एडिशन स्टेटमेंट कैन बी कॉन्फिगर्ड हियर, व्हाट वी कैन डू, वी कैन 100 मान सकते हैं। यस सर। यस सर। 50, 100, 150 ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए इसको बीच में एक बड़ा कर दीजिए, इतना इतना दूर दूर आप इसको सब मिला के जो नंबर लाइन है उसको बराबर हिस्सों में डिवाइड करिए। अब ये बराबर है ना, जितना बड़ा ये है, जितना स्पेस ये है उतना ही स्पेस ये भी, उतना ही स्पेस ये, बराबर हिस्सों में डिवाइड हुआ कि नहीं? यस सर। इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए अगर 100 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 200। ये 300। 400। 500। 600। 700। 800। 700। 800। 900। 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
यस सर. इट इज डिवाइड, इट इज ऑन द हाफ, तो दैट मीन्स ये क्या है? अगर ये 100 है तो ये क्या होगा? सर 10. बेटा जब ये हाफ है बीच में है तो जीरो सर 50 सर 50 कितना होगा? 10 होगा सर 50 50 सर 50 ये 100 और यहाँ से के बीच में 100 का डिफरेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या होगा? ये क्या होगा? 150 नहीं है, लिखते ऐसे हैं कि आराम से ये हमें माने 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, यानी नंबर लाइन ऐसे रिप्रेजेंट ऐसे बना दिया गया कि नाउ वी कैन यस और ये प्रॉपर नंबर लाइन की तरह इक्वल पार्ट में डिवाइडेड भी है. तो अपन देखो 500 आपका यहाँ पे है, तो 500 को सर्कल करो, इसमें कितना ऐड करना है? हाउ मच वी हैव टू ऑन 500? 50 तो 50 यही तो है, 500 से 50 यही इतना ही तो होगा सर. मेरे आने यस सर यही तो होगा, यहाँ से लेके 50 यही है, तो इसका मतलब ये यहीं पे पहुंचेगा. तो ये कहाँ, ये कितना हो जाएगा? 500 50. व्हाट इज द आंसर? तो 550. तो इस तरीके से आपको 500 करना हो या 5000 करना हो तो नंबर लाइन आप लोग बनाना जानते हो प्रॉपरली, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना जानते हो, नंबर लाइन के थ्रू आप शोकेस करना जानते हो, ये ज्यादा जरूरी है. समझ आया? यस सर. यस सर. क्या आप नंबर लाइन आप लोग बना सकते हैं अगर मैं कुछ और दूसरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे दूं? यस सर. चलिए ठीक है, बनाइए. लेट्स से मैंने यहाँ पे दे दिया 500 प्लस 200 प्लस 50, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको सबसे पहले जैसे था वैसे पहले बना लें. अब ये नॉर्मल नंबर लाइन हो गया, पहले 500 है, अब इसमें कितना 200 प्लस करना है ना, 100 ये 200 ऐड करेंगे तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 100, यहाँ से यहाँ तक 200, ये कहाँ पे पहुंचा? 700. 200 के बाद 50 भी ऐड करना है, तो दैट मीन्स कि जाएगा यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 750 के प्लेस है, तो दैट इज द आंसर. यस सर. तो ये तो हो गया प्लस की बारी, अब ये बताइए कि आप लोग माइनस भी कर ले जाएंगे? यस सर. 750 यस सर. 750 450 माइनस 200. नंबर लाइन पे क्या करें, कैसे करें? अभी तो आप लोगों के पास कॉपीज है,
अब इसके लिए प्रैक्टिकल तो मैं ये कर सकता हूँ, आप सबसे पहले अपने रफ कॉपी में इसका ये नंबर लाइन आप लोग बना लीजिए, या आप लोग स्वयं बताइए बनाने में समय लगेगा, ऐसे ही बताइए, कौन बता सकता है? सर 400 से माइनस कर देंगे 450, सबसे पहले हम देखेंगे 450 है कहाँ पे, 450 कहाँ पे है? यस सर, सर 400 500 के बगल में तो 300 है, बगल में तो 500 है, तो वेर इज 450 कहाँ पे है? ये जोड़ना घटाना तो लोगों को पता है, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे नंबर लाइन तो बताइए हम करें क्या सर? 450 सर, इसके बीच में जितना डिस्टेंस है सर 250। ऐसा नहीं, मैं मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा, सभी लोग साथ में मत बोलिए। सिद्धार्थी सबसे पहले आप ही बताइए 450 है कहाँ पे, मुझे सिर्फ एक आंसर चाहिए, वेयर इज 450? सर 400 के राइट साइड, नहीं पता, 400 के राइट साइड 500 है, आप अब शांत रहिएगा। अबरल यू हैव टू टेल वेयर इज 400, वेयर इज 450 सर? बिटवीन 400 एंड 500। बिटवीन 400 एंड 500 इज द करेक्ट आंसर, समझ में आया सिद्धार्थी? यस सर। 400 के राइट हैंड साइड 500 भी है, 600 भी, 700 कौन सा राइट हैंड साइड नहीं है, तो आपका आंसर तो अधूरा है, ये सब तो राइट हैंड ही तो हैं। यस सर। तो अगर आप राइट हैंड बोलेंगे तब तो आप कुछ भी कुछ बोल रहे हैं। बिटवीन 400 एंड 500, दैट मीन्स कि दिस इज द प्लेस वेयर 450 इज लोकेटेड। लेट्स से कि आप इसको यहाँ पे सर्कल कर दीजिए या 450 लिख दीजिए। नाउ व्हाट, -200, तो -200 के लिए क्या करेंगे अंश पांडे, जरा आप बताइए वेयर इज द -200, आपको क्या करना है, ये फॉरवर्ड राइट हैंड साइड में आपको बढ़ना है या लेफ्ट हैंड साइड में, अंश पांडे बताइए, आपको -200 करना है, माइनस करना है। नाउ यू हैव टू टेल वेदर वी हैव टू मूव अहेड और वी हैव टू बैक फ्रॉम टुवर्ड्स जीरो, लेफ्ट हैंड की तरफ, पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ से आप चलेंगे 200 पीछे आएंगे, तो 200 पीछे कहाँ पे आएंगे ये कौन बताएगा? अरुण आप जरा ये बताइए, आपका इस प्लेस से 450 से जब 200 आप बैक आएंगे कहाँ पे पहुंचेंगे? मुझे अरुण आपसे आंसर चाहिए इस बात का। यस सर। जब 450 ये है, अविरल ने बताया 450 दिस इज द प्लेस, अब ये 250 आप बताइए ये 250 पहुंचेंगे सर? 250 ये कहाँ पे है सर? 200 के बीच में, 200 एंड 300 के बीच में। वेरी गुड, ये यहाँ से 50 यानी यहाँ से ये 100, यहाँ से ये 200, दैट मीन्स कि ये सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आएगा 200। ये क्या है आपको सीधा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 400 और ये क्या है 250। ऐसे अगर ना लिखा रहे तो आपको नीचे लाइन खींच करके प्रॉपरली लिख देना, लेकिन इसमें घोचना नहीं है कि आप लिख दे उसे में, समझ में आए, समझ में आया? यस महक बेटा, व्हाट यू वांट टू से? हेलो सर, एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा महक बोल रही है, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक्सक्यूज मी, तो आपके यहाँ दिक्कत है, सभी को स्क्रीन दिख रही है ना? सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है सर, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। बेटा महक आपके यहाँ प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपने कहीं कोई दूसरा ऑप्शन क्लिक कर दिया हो। बाकी सारे बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ बेटा महक आपके साथ सर, एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा सर, वहाँ पे 400 एंड 200 लिखा है सर, 200 से माइनस होगा 250 से। 450 में से 200 माइनस करेंगे तो 200 पे पहुंचेगा, 250 पे पहुंचेगा? 250 होना चाहिए, 250 मैंने लिखा था, 250 250 लिख दिया ना बीच में लाके? यस सर।
तो आपको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो नंबर लाइन पे कर ले जाएंगे। यस सर। मैक आपको दिखना प्रॉपर शुरू हुआ कि नहीं? यस सर। चले नाउ कम टू योर बुक। नो सर। नंबर 37 नेटवर्क बुक ओपन द पेज नंबर 37 एक्सरसाइज 2.4 रीड द फर्स्ट क्वेश्चन सर। राइट द एडिशन स्टेटमेंट रिप्रेजेंट बाय द गिवन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट नहीं रिप्रेजेंटेड। राइट द एडिशन स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन नंबर लाइन। आपको क्या करना है यहाँ पे एडिशन स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया। फिलहाल मान लीजिए ये आपका नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपका यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया। तो आप ये बताइए जब ये इस फॉरवर्ड में ये फॉरवर्ड दिशा में जा रहा है आपको ये पता यहाँ से आपको हमेशा तीर का निशान रहेगा कि ये फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है, तीर से एरो से पता करना है। तो ये बताइए फॉरवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है या रिवर्स डायरेक्शन? सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है? ज्यादा। तो बैटमैन के माइनस हो रहा है सर? प्लस। प्लस हो रहा है। कहाँ से कहाँ पे पहुंच रहा है? पहले ये नंबर वन पे था फिर नंबर सिक्स कैसे पहुंचेगा? नंबर वन से नंबर सिक्स में पहुंचने में क्या होगा? 1 + 5 = 6 यही तो होगा। यस सर। इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो होगा वो यही तो आएगा। यस सर। इन द सेम टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर K1 इन योर एक्सरसाइज 2.4। तो जो आपका पहला क्वेश्चन पहला नंबर लाइन शो किया गया है वहां पे दो बार जंप किया गया है, तो दैट मीन्स की यहां से यहां, तो दैट मीन्स के दो बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ा है, तो दोनों बार यानी प्लस होगा। तो इसका एडिशन स्टेटमेंट क्या होगा? एडिशन स्टेटमेंट क्या होगा इसका? एडिशन अंश पांडे आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं? यस सर। पहले क्वेश्चन में क्या करना है जो आपको नंबर दिया गया है उसका आपको एडिशन स्टेटमेंट लिखना है, जैसे मैंने अभी समझाया इस तरीके से। तो पहले रिप्रेजेंटेड चैट बॉक्स में भेजिए। पहले क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है आपकी बुक के हिसाब से जो पहला क्वेश्चन है उसका एडिशन स्टेटमेंट आई नीड इन द चैट बॉक्स। अंश पांडे आपको समझ में आ रहा है क्या करने के लिए मैं बोल रहा हूं? आप फोन उठाने की जरूरत नहीं है क्यों? फर्स्ट का। हाँ बेटा अरुण बोलिए, फोन उठाने की जरूरत नहीं है, केवल आप फिंगर से टच करिएगा। अभिरल चतुर्वेदी आपने जो भेजा है दैट इज रॉन्ग, मुझे मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपका बुक के हिसाब से चाहिए। सर। हाँ बेटा अंश बोलिए। सर अंश पूछिए। हेलो अंश सर पूछिए। सर K2 का करना है कि K1 का? मैं कौन सा क्वेश्चन समझा रहा था? K1 का करना है कि K2 का? बेटा आप ध्यान से सुन ही नहीं रहे थे इसका मतलब। सर K1 समझाए लेकिन इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया। K1 समझाए हैं, K1 आपको करना है, K1 ही क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ही आपका इसमें क्वेश्चन है। राइट द एडिशन स्टेटमेंट, आपको एडिशन स्टेटमेंट लिखना है, जो ये आपका नंबर लाइन शो किया गया है उसका एडिशन स्टेटमेंट क्या होगा? जो अविरल ने भेजा दैट इज रॉन्ग, एडिशन का भी रॉन्ग है, महक का भी रॉन्ग है, सभी का रॉन्ग है। आपने डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर दे दिया है, वो गलत है, तीनों का गलत है। अभी आपको
ये वन से सिक्स में पहुंचा, जीरो से भी तो जीरो, जीरो प्लस सिक्स भी तो हो सकता था। यस सर, यस सर। अब इतना हिंट समझ जाइए क्या करना है आपको। अंश पांडे आपको क्या करना है? सर आपको समझ में आया क्या करना है? अवरल नाउ यू आर करेक्ट, इस बार आप सही हैं। इसमें ऐड करना है, ऐड करना है तो उसको ऐड करके मुझे मैथमेटिकल स्टेटमेंट भेजिए। ऐसे सुनते रहोगे कथा कितना, इसीलिए आप नहीं समझ में आएगा और मैं बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा। ये आपका स्कूल पुराना स्कूल नहीं है और ऐसा नहीं हर स्कूल में हर टीचर मेहनत करता है, लेकिन अगर आप ऐसे बैठे रह जाओगे तो बैठे रह जाओगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे फेल होगे तो मैं बाहर भी कर दूंगा। और जितना होमवर्क दिया जाए उतना आप प्रॉपरली अगर नहीं करेंगे, अगर आप प्रॉपरली रिप्लाई नहीं करेंगे तो मैं ग्रुप से भी बाहर करूंगा, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा आपको। ध्यान से आप सुनेंगे नहीं अगर तो बिल्कुल भी नहीं कुछ हो पाएगा। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाता हूँ। सभी लोग अगर चैट बॉक्स है तो उसको क्लोज कर दीजिए, चैट बॉक्स को क्लोज कर दीजिए। एक बार समझ लीजिए करना क्या है, चैट बॉक्स को क्लोज करके सभी लोग समझ लीजिए, फिर आपको करिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज जब मैं बोलूंगा तब जाएगा, आप ऐसे ही रहते जाएंगे। एक आपको यहाँ से शुरू हुआ एक स्टेटमेंट यहाँ पे, आवाज नहीं आ रही। बेटा आप ध्यान से सुनिए, आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, आप तो डिस्टर्ब कर रहे हैं। और मैंने बोला ये इंटरनेट पे पढ़ाई हो रही है तो दैट मीन्स के मैं बोलता हूँ तो आपके पास आवाज आती है। आपका ये भी एरो है, ये भी एरो है, तो क्या हुआ, ये पहले कहाँ पे था सर? ये पहले कहाँ पे था सर? जीरो। ये पहले सर, जीरो जीरो से जल्दी जीरो प्लस सर वन, जीरो प्लस टेन, ये वन लिखा है, जीरो टेन, ये टेन में कितना प्लस हुआ फिर सिक्स गया सर? टेन में सिक्स प्लस करोगे तो सिक्सटी होगा, क्यों बेटा सही कह रहे हो ना? नो सर, नो सर। क्या है ये टेन में हाउ मच वी हैव टू एड सो दैट इट बी सिक्सटी सर? फिफ्टी। तो ये टेन से सिक्सटी होने के लिए टेन प्लस फिफ्टी, टेन के बाद प्लस फिफ्टी किया तो डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच गया। आपने इसको सर्कल किया या नहीं किया बात अलग है। अब क्या हुआ 120 में यहाँ से आपको फिर आपको 120, तो दैट मीन्स कि कितना 10 20 30 40 50 60, ये 60 ऐड किया तो दैट मीन्स तब जाके 120 पे पहुंचा। तो दैट मीन्स कि दिस इज द एडिशन स्टेटमेंट फॉर दिस नंबर लाइन, 10 से 60 ऐड होके 60 पहुंचा। 10 में पहले 120 50 मतलब ये नहीं 60 पहुंच गया, पहले 50 ऐड हुआ 10 से, ये 10 20 30 40 50 50 कदम आगे पहुंचा तो यानी 60 पे पहुंच गया। फिर 60 पॉइंट आपको फॉरवर्ड दिशा में 10 20 30 40 50 60 यानी 60 कदम जब आगे बढ़े तो 120 पे पहुंच गया। समझ में आया? यस सर। इसी तरीके से जो आपका K1 क्वेश्चन है इसमें नंबर लाइन तो शो किया गया है, नंबर लाइन तो छपा हुआ है कि नहीं, पिक्चर छपा है सर? सर छपा है कि नहीं सर? है। क्यों बताइए, नंबर लाइन है या नहीं? महक सिद्धात्री अरुण गुप्ता आप लोग को नहीं बोलना चाहिए नंबर लाइन है सर? यस सर। तो इस नंबर लाइन सर उस नंबर लाइन पे कुछ आपको एक एरो भी दिया हुआ है कि कैसे, तो उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होगा? अविरल ने भेजा है, सिद्धार्थी ने भेजा, दोनों का सही है।
बाकी अंश पांडे आप बताइए बताइए आप एक बार, ऐसे क्या होगा आपके बुक के हिसाब से जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसमें क्या हुआ है? सबसे पहले कितना ऐड हुआ है, किसने ऐड हुआ है, बुक देख के बताइए सर। क्या क्या मैं पूछ रहा हूँ? आप देखिए क्वेश्चन नंबर K1 देखिए, बुक में देखिए K1 सर। 0 से 10 तो 0 से 10 कैसे होगा? 0 प्लस 10 होगा ना। उसके बाद क्या हुआ 10 के बाद? देख रहे हैं 8, तो 10 प्लस 8 यानी फिर इसका +8 जो एडिशन स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा? 0 प्लस 10 प्लस 8। समझ में आया? यस सर। 18 जरा K2 में आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है, क्या बनाना है सर? 18 K2 में क्या करना है? नंबर लाइन ड्रॉ करना है सर। +10 प्लस 8 तो K2 क्वेश्चन देखिए, K2 क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखिए, K2 में क्या करना है? आंसर नंबर लाइन। K2 जरा क्वेश्चन पढ़िए, आंसर नंबर लाइन ड्रॉ कर। K2 जरा क्वेश्चन नंबर लाइन, अंश पांडे जरा क्वेश्चन पढ़िए, जरा K2 का क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्या लिखा है पढ़िए। 3 प्लस 7 ये नहीं, आप वो करिए DRAW नंबर लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एडिशन, पूरा पढ़िए, प्रॉपरली पढ़िए, सारे बच्चों को ध्यान से सुनाई पढ़ना चाहिए। ड्रा नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एडिशन। चलिए बहुत अच्छा, ड्रॉ नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। बेटा जब मैं बोला, जब मैं बोलना शुरू करूं, नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एडिशन स्टेटमेंट। चलिए ठीक है, जब मैं बोला करूं तो सुना करिए, तब तुरंत शांत हो जाए करिए, पूरा ध्यान से सुना करिए, नहीं समझ में नहीं आएगा। आपकी आवाज नहीं साफ आ रही है, और जिसको अगर आवाज नहीं जा रही है तो उसके लिए मैं नहीं कर सकता बेटा, और बाकी लोग ध्यान से नहीं। ड्रॉ नंबर लाइन मिस क्या होता है? ड्रॉ मिस क्या होता है? बनाना। ड्रॉ मिस बनाना, क्या बनाना है सर? लाइन, नंबर लाइन ना, लाइन नहीं बनाना है, लाइन तो ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, नंबर लाइन बनाए, नंबर का पूरा रिप्रेजेंट करना है। ड्रॉ नंबर लाइन द फॉलोइंग एडिशन स्टेटमेंट, जो नीचे आपका एडिशन स्टेटमेंट है उसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे बनाना है, मैंने शुरुआत किया था, बना ले जाएंगे लाइन सर, बना ले जाएंगे। यस सर। मैक से दात्री आपका माइक बंद है, आप बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। अंश गुप्ता आप भी बना ले जाएंगे? यस सर। अंश पांडे आप भी बना ले जाएंगे? अंश पांडे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सोने लगे हैं, आप भी बना ले जाएंगे कि नहीं? चलिए आवाज नहीं आ रही है, ये जानबूझ के बोल नहीं रहे हैं, केवल ऐसा नहीं है, इनकी बुक की पेज उड़ रही है, इनकी पलक इनकी झलपक रही, मैं सारी चीजें देख रहा हूँ। यस सर। सेकंड क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे, करना जो है कर ले जाएंगे? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। यस सर, सर बना ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 K3 पे आइए, K3 ओपन करिए। K3 में क्या है? ड्रॉ नंबर लाइन, इसमें भी नंबर लाइन से ड्रॉ करना है। K3 सर बोल दो ना। K3 में क्या करना है? आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एडिशन स्टेटमेंट, इसमें भी कुछ एडिशन स्टेटमेंट है उसको आपको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करना है। आपका 10 या +20 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, और 100 से ज्यादा के नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, मैंने दोनों तरीका बताया था शुरू में। यस सर। बेटा सभी लोग कर ले जाएंगे? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, S1 कम टू द क्वेश्चन नंबर S1 शो 3 डिफरेंट वेज इन विच वी कैन रीच 15 ऑन ए नंबर लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 0। क्या लिखा है? शो 3 डिफरेंट वेज, शो मीन्स दिखाना। यस सर। थ्री डिफरेंट वेज, तीन अलग अलग तरीके, तीन अलग अलग तरीके से आपको शो करना है। यस सर। जहाँ पे नंबर लाइन पे 15 तक पहुंच जाए, क्या हो सकता है? 0 से डायरेक्टली 0 प्लस 15 इक्वल टू 15 हो सकता है,
जीरो प्लस टेन प्लस फाइव इक्वल टू 15 हो सकता है, दो तरीका हो सकता है, जीरो से ही 15 पे पहुंचना है, ध्यान दीजिएगा, जीरो से 5 प्लस 5 प्लस 5 तीन चार बार आपका ऐड हो सकता है ना, कोई भी तो डेफिनेशन स्टेटमेंट ही कहलाएगा ना। यस सर। वो तीनों को तीनों नंबर लाइन का शोध करना है, जीरो से 15 पहुंचने का है, मैथमेटिकल या एडिशन स्टेटमेंट कर ले जाएंगे। यस सर। फिलहाल आप लोग क्वेश्चन नंबर